हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं फिर से द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल से जो इम्पॉर्टेंट वोकैबलरीज होती हैं उनको। तो ये पार्ट 22 है। यहाँ पे मैं 3 और 6 अगस्त को जो भी एडिटोरियल था द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का, उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट शब्द लेकर के आया हूँ। तो टोटल 19-20 यहाँ पे वर्ड होने वाले हैं। ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा हर एक वर्ड कैसे यूज हुआ है, उसका क्या मतलब है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो एडिटोरियल मैंने सेलेक्ट किया है या फिर जहाँ से वर्ड लिए हैं, वो ये 3 एडिटोरियल हैं। मैनेजिंग परसेप्शंस ऑन अमेंडिंग द SC/ST एक्ट, चेंज गियर अमेंडमेंट्स टू द मोटर व्हीकल एक्ट, और तीसरा है नो होम फॉर गर्ल्स, ये इंडियन एक्सप्रेस का है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं जाकर के पढ़ना कि ये आखिर में एडिटोरियल क्या थे, क्या बताया गया था, इसलिए मैंने लिखा हुआ है। आप जाकर के पढ़ सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला वर्ड हमारा क्या है। पहला वर्ड है प्रैग्मेटिज्म। ठीक है, ये प्रैग्मेटिक जो शब्द होता है वहाँ से बना हुआ है। प्रैग्मेटिज्म नाउन है, इसका मतलब क्या है, व्यवहारवाद। प्रैग्मेटिक होने का मतलब भी क्या होता है, कहते हैं प्रैक्टिकल होना। मतलब एक होता है कि हम सोचते बहुत कुछ हैं लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए कहते हैं थोड़ा प्रैग्मेटिक होना चाहिए, मतलब थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो उसी से ये वर्ड बना है प्रैग्मेटिज्म। लिखा हुआ है एन अप्रोच दैट इवेल्युएट्स थ्योरीज और बिलीव्स इन टर्म्स ऑफ द सक्सेस ऑफ देयर प्रैक्टिकल अप्लीकेशन। समझ में आया जो मैंने कहा, वही कि ऐसी अप्रोच जो इवेल्युएट करती है, मतलब उसको जांचती है, परखती है किसको, थ्योरीज और बिलीव्स को, किस टर्म में कि वो प्रैक्टिकल अप्लीकेशन के तौर पे कितने सफल हो सकती हैं, मतलब वो व्यवहारिकता में आ सकती हैं कि नहीं, इस चीज़ को जांचने का काम होता है, तो वो प्रैग्मेटिज्म कहलाएगा। सिनोनिम्स इसके क्या हो सकते हैं, जैसे अजम्पशन करना, या फिर लॉजिकल चीज़ें, या फिर प्रैक्टिकल, या फिर रियलिस्टिक होना। यहाँ पे आपको 3 ये जो आपको दिख रहे होंगे, ये तो आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट इसके सिनोनिम्स हैं। एक अजम्पशन वाले में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ रहा होगा कि ये कैसे, ये नियर आप सिनोनिम्स में कह सकते हैं। अजम्पशन का मतलब क्या होता है, आप एक सोच विचार लाते हैं जो मन में कि अच्छा ऐसा करने पर क्या इसमें सफलता हाथ लगेगी कि नहीं, तो उस टर्म में अजम्पशन भी कह सकते हैं। एंटोनिम क्या हो सकते हैं इसके, जैसे इरेशनल, मतलब जो पॉसिबल ना हो, इरेशनल हो, मतलब रैशनल हो ही ना वो, तो उसको इरेशनल कहेंगे, जो इसका ठीक उल्टा होगा। अनरियलिस्टिक हो या फिर अनरीजनेबल कोई बात हो, तो ये उसके एंटोनिम्स होंगे। यूज़ हुआ था इफ़ वी एक्सेप्ट दैट पॉलिटिक्स इज़ अबाउट प्रैग्मेटिज्म। तो यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है, पॉलिटिक्स के प्रैग्मेटिज्म के बारे में बात की जा रही है, कितनी व्यवहारिक है, कितना व्यवहारवाद उसमें शामिल है, इन सारी चीज़ों को लेकर के चर्चा की गई। नेक्स्ट हम वर्ड देखते हैं। लिखा हुआ है प्रिवेलिंग, ये वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है, प्रचलित, प्रचलन, या फिर फैला हुआ, जो काफ़ी दूर तक फैला हुआ हो वो क्या होता है, प्रिवेलिंग। ठीक है, लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग इन अ पर्टिकुलर प्लेस और एट अ पर्टिकुलर टाइम, जो किसी पर्टिकुलर प्लेस या फिर पर्टिकुलर टाइम में जो चीज़ें मौजूद हों क्या होंगी, प्रिवेलिंग होगी। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं प्रीवेलेंट, या फिर यूनिवर्सल, या फिर करंट, या फिर प्रीडोमिनेंट, या फिर प्रीवेलेंट। प्रीवेलेंट मेरे ख्याल से 2 बार आ गया है, तो एक ही आपको लेना है। तो ये इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। प्रीवेलेंट का मतलब वही है, मतलब जो तुरंत मौजूद हो। ओके, एंटोनिम्स क्या हो सकता है, जैसे लिमिटेड, जैसे प्रीवेलिंग का मतलब है फैला हुआ है, जो प्रचलित है किसी प्लेस में, एक साथ मौजूद है। लिमिटेड का मतलब वो एकदम सीमित है, या फिर कह सकते हैं अनकॉमन, जो हर जगह नहीं मिलता हो, ये उसके एंटोनिम्स ले सकते हैं आप। यूज़ हुआ था कीपिंग अ शार्प आई आउट ऑन द प्रिवेलिंग पॉलिटिकल विंड्स। तो यहाँ पे किसके बारे में बात करी जा रही है, कि इस समय जैसी राजनीतिक हवा चल रही है उस पर नज़र रखने की बात करी जा रही है। प्रिवेलिंग का मतलब क्या है, जो फैली हुई है राजनीतिक चीज़ें होती हैं, आपको पता है हमारे देश में जो एक चीज़ चलने लगती है वही सारे लोग फॉलो करने लगते हैं, तो उस बारे में यहाँ पर बात हो रही है। नेक्स्ट बात करते हैं। लिखा हुआ है डिस्पेंसेशन। डिस्पेंसेशन क्या है, एक नाउन है जिसका मतलब होता है व्यवस्था से। ठीक है, लिखा हुआ है पॉलिटिकल, रिलीजियस और सोशल सिस्टम प्रिवेलिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम। वही फिर से देखिए, यहाँ पे प्रिवेलिंग आया हुआ है, अब तो आपको पता है मतलब क्या है, कोई पॉलिटिकल हो, राजनीतिक, रिलीजियस हो, धार्मिक, या फिर सोशल सिस्टम हो, सामाजिक कोई सिस्टम हो, जो कि किसी जगह पे उस समय व्याप्त हो या फिर जिसके अनुसार हर चीज़ें हो रही हों, उसको डिस्पेंसेशन कहा जाता है। वैसे डिस्पेंसेशन के और सारे भी मतलब होते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब व्यवस्था से ही है। सिनोनिम इसके क्या हो सकते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, सिस्टम कह सकते हैं, ऑर्डर कह सकते हैं, स्कीम कह सकते हैं, अरेंजमेंट आप कह सकते हैं इसके सिनोनिम्स के तौर पे। एंटोनिम्स आप इसको सीधे कुछ डायरेक्ट निकाल नहीं सकते, तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। यूज़ हुआ था इट इज़ आर्ग्यूएबल दैट नो डिस्पेंसेशन एट सेंटर कुड हैव इग्नोर्ड द मैसिव शेड्यूल कास्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द
सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, मतलब यही बात यहाँ पे करी जा रही कि इट इज़ आर्ग्यूबल दैट नो डिस्पेंसेशन एट सेंटर, मतलब कि सेंटर में जो लोग हैं या फिर सेंटर की जो व्यवस्था है, जो हमारी केंद्रीय सरकार, उसमें जो भी आपके विभाग हैं उनमें कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं होगी जिसने इस मैसिव शेड्यूल कास्ट प्रोटेस्ट को इग्नोर करने का प्रयास किया होगा या फिर किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्पेंसेशन का मतलब व्यवस्था से है। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ड क्या है, परसीव्ड। परसीव्ड वैसे तो काफ़ी कॉमन सा शब्द है, वर्ब है, वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, मतलब अनुभव करना, किसी भी चीज़ को देखना या फिर उसको अनुभव करना, तो क्या कहलाएगा, परसीव करना। लिखा हुआ है बिकम अवेयर और कॉन्शियस ऑफ समथिंग या फिर कम टू रियलाइज और अंडरस्टैंड, किसी भी चीज़ को समझना, रियलाइज करना या फिर किसी भी चीज़ के बारे में अवेयर होना, कॉन्शियस होना, तो वो होता है परसीव। सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं इसके, जैसे फील करना, सेंस करना, किसी भी चीज़ को सी करना, देखना। एंटोनिम का क्या हो सकता है, जैसे इग्नोर कर देना या फिर निग्लेक्ट करना, तो ये इसके एंटोनिम हो सकते हैं। यूज़ हुआ था दैट वाज परसीव्ड एज अ डाइल्यूटिंग द प्रोविजंस ऑफ द 1989 लॉ, मतलब इसको इस तरीके से देखा गया कि ये 1989 के लॉ को डाइल्यूट किया गया, मतलब उसमें ढीलापन लाया गया, उसमें कुछ चीज़ें हटा दी गई जो जो कि स्ट्रांग बना रही थी कानून को, तो कानून को कमज़ोर करने का प्रयास किया गया। तो इस तरीके से इसको परसीव किया गया, मतलब इस तरीके से इसको देखा गया, वो हुआ कि नहीं हुआ इससे मतलब नहीं, लेकिन इस तरीके से इसको देखा गया। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ड क्या है, डेलीबरेटली। ये तो मैंने कई बार भी बताया हुआ है, डेलीबरेटली एडवर्ब है, इसका मतलब क्या होता है, जब आप कुछ जानबूझ करके करें, इरादे से या अभिप्राय से, मतलब जो भी काम आप कर रहे हैं वो आपके एकदम अवेयरनेस में, ऐसा नहीं कि आपने अनजाने में अनभिज्ञता से कोई काम कर दिया हो। अगर आपने किसी को गाली भी दी है तो जान के ही गाली दी है, तो या फिर कोई गलत काम किया तो जान के किया है, तो उसको डेलीबरेट अटेम्प्ट कहा जाता है, ठीक है। लिखा हुआ है कॉन्शियसली एंड इंटेंशनली या फिर ऑन पर्पज़, ओके। तो सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं कॉन्शियसली या फिर कॉन्शियस, नोइंगली या फिर पर्पजली, ये सारे इसका मतलब यही है कि जान करके, समझ करके आपने कुछ काम किया है। एंटोनिम इसका क्या हो सकता है, अन इंटेंशनल, जिसको कहा जाता है ना कि अनभिज्ञता से अगर कोई आप काम करते हैं, अन इंटेंशनल है, तो वो इसका एंटोनिम हो सकता है। लिखा हुआ है एंड सम टाइम डिलीबरेटली मिस इंटरप्रेटेड, यहाँ पे मतलब वर्डिक्ट की बात हो रही थी कि कई बार इसको जानबूझ करके ही मिस इंटरप्रेट किया जाता है, कि गलत तरीके से इसको इसको निकाला जाता है कि इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये है, जानते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन फिर भी जानबूझ करके गलत मतलब निकालने का प्रयास होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ड क्या है, लिखा हुआ है कंसोलिडेट, ये भी एक वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, समेकन करना, मतलब इकट्ठा करना, ऐसे कह सकते हैं, कंबाइन करना। लिखा हुआ है कंबाइन अ नंबर ऑफ थिंग्स इंटू अ सिंगल मोर इफेक्टिव और कोहरेंट होल, मतलब किसी भी चीज़ को जो अलग अलग भाग में है उसको इकट्ठा करके और ज़्यादा मजबूती प्रदान करना, तो होता है कंसोलिडेट करना, ओके। सिनोनिम क्या हो सकता है, सिक्योर, कह सकते हैं नियर सिनोनिम है, सेंट्रलाइज या फिर कंसंट्रेट इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। एंटोनिम क्या हो सकता है, स्कैटर करना या फिर वीकेंड करना, जैसे हम कंबाइन करके उसको मजबूती प्रदान करते हैं, वैसे वीकेंड करना मतलब अलग अलग करना, फिर उसको और कमज़ोर बनाना, इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए, यूज़ में लिखा हुआ है इट इज़ आर्ग्यूबली मच मोर लाइकली दैट सच परसेप्शंस कंसोलिडेट एट अ टाइम व्हेन द कन्विक्शन रेट अंडर द एक्ट इज डिसमेली लो एंड एट्रोसिटीज अगेंस्ट द दलित आर अ डिस्टर्बिंग रियलिटी। तो यहाँ पे किस बारे में, परसेप्शंस के कंसोलिडेट करने के बारे में बात कर रहे हैं, कि ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है किसका हो रहा है, परसेप्शन का, और किस समय में, जबकि जो कह सकते हैं कन्विक्शन रेट है, मतलब कन्विक्शन का भी आगे मतलब बताऊँगा, वो बहुत ही ज़्यादा लो है, ठीक है। जो भी इस एक्ट के तहत जो मुकदमे हो भी रहे हैं उनमें कन्विक्शन का रेट बहुत ज़्यादा लो है, तो इस बारे में बात यहाँ पर हो रही है। नेक्स्ट हम वर्ड देखते हैं क्या है, लिखा हुआ है कन्विक्शन ही, जिसके बारे में भी हमने बात की, इसका मतलब क्या होता है, दोष सिद्धि। कन्विक्शन का मतलब जब आपके ऊपर कुछ आरोप लगा हो और कोर्ट ने आपको दोषी माना हो, तो वो क्या, उसको क्या कहा जाएगा, कन्विक्शन कहा जाएगा। लिखा हुआ है द फैक्ट ऑफ ऑफिशियली बींग फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ अ पर्टिकुलर क्राइम और द एक्ट ऑफ ऑफिशियली फाइंडिंग समवन गिल्टी, तो ये क्या होता है, कन्विक्शन, ओके। सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, जैसे सेंटेंस, सेंटेंस का मतलब यहाँ पे वाक्य से नहीं, बल्कि सेंटेंस का मतलब जब किसी को सजा देनी होती है तो जो सजा दी जाती है उसको सेंटेंस कहा जाएगा, या फिर कह सकते हैं जजमेंट, ठीक है। ये इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, नियर सिनोनिम्स। एंटोनिम क्या हो सकता है, एक्विटल, एक्विटल का मतलब सीधा इसका उल्टा होता है, एक्विटल का मतलब दोष सिद्धि, जो आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं दोष मुक्ति हो गई है। यहाँ पे कन्विक्शन का मतलब दोष सिद्धि, तो एक्विटल का मतलब दोष मुक्ति, मतलब आपको पूरी तरीके से छोड़ दिया गया, आपको नहीं पाया गया कि आपने कुछ ऐसा गुनाह किया है, ओके। और यूज़ आपको कहाँ पे हुआ था, ये तो आपको पता ही है, कि ये जो परसेप्शन है कंसोलिडेट हुआ एट अ टाइम व्हेन कन्विक्शन रेट अंडर द एक्ट इज डिसमेली लो,
मतलब ये कन्विक्शन रेट का मतलब जो दोष सिद्धि है, मतलब मुकदमे तो दर्ज हो जाते हैं लेकिन जो फाइनल वर्डिक्ट होता है उसमें बहुत सारे लोग छूट जाते हैं, तो वही कहने की कन्विक्शन रेट जो है बहुत ज़्यादा लो है। अब नेक्स्ट वर्ड भी इसी में से है, क्या है? डिस्मेली। डिस्मेल से बना हुआ एलवाई जुड़ करके एडवर्ब हो गया। इसका मतलब क्या होता है? निराशाजनक तौर पे, या फिर कह सकते हैं बहुत भयानक तरीके से, या फिर कह सकते हैं जिसकी आपको उम्मीद ना हो, इस तरीके को डिस्मेली कहा जाए। लिखा हुआ इन डिसग्रेसफुली बैड वे, मतलब बहुत बुरी तरीके से, निराशाजनक तौर पे, तो वो डिस्मेली होगा। सिनोनिम्स इसके क्या हो सकते हैं? डिप्रेसिंग, या फिर डिस्करेजिंग, या फिर डिसहर्टनिंग। ठीक है, जैसे आपसे कुछ उम्मीद की जाए कि आपके लिए ये किया जा रहा है, आप इससे बहुत कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन आप कुछ अच्छा नहीं बल्कि और ख़राब ही कर रहे हैं, तो उसके लिए जो आपके सामने वाला होगा कैसा फील करेगा? डिसहर्ट फील करेगा, मतलब बहुत बुरा लगेगा, डिसकरेजिंग हो जाएगा वो, मतलब उसको ऐसा नहीं होगा कि आगे वो किसी की मदद करे, इस तरीके से करे। तो यही हाल यहाँ पर इस लॉ का भी हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। एंटोनिम क्या है? हो सकते हैं इनकरेजिंग, मतलब जिससे और उत्साह बढ़े, या फिर फेवरेबल हो कोई चीज़, तो इसका एंटोनिम हो सकता है। यूज़ आपको पता ही है कहाँ पे, कन्विक्शन रेट के बारे में बात करी जा रही थी कि इज़ डिसमेली लो, मतलब बहुत ज़्यादा लो था ये, मतलब जितनी उम्मीद है उससे बहुत ज़्यादा लो था इसमें कन्विक्शन रेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वर्ड क्या है? एबोरेंट। एबोरेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है विभत्स, या फिर बहुत ज़्यादा घिनौना। लिखा हुआ है इंस्पायरिंग डिसगस्ट एंड लोदिंग। लोदिंग का मतलब आपको पता है घृणाप्रद कोई चीज़ हो, बहुत ज़्यादा विभत्स हो, बहुत ज़्यादा खराब हो, तो उसको एबोरेंट कहा जाता है। एंड सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं रिपंजेंट, इसको मैंने आपको बताया हुआ है। फिर क्या है? डेस्पिकेबल। डेस्पिकेबल का भी मतलब यही है, बहुत बुरा, लोथसम, या फिर रिपल्सिव। ये सब आप ध्यान से देखिएगा, इन सारे शब्दों का मतलब एक ही होता है, बहुत ज़्यादा विभत्स, घिनौना, या फिर कह सकते हैं जिससे बहुत ज़्यादा घृणा हो। ठीक है, तो वो सब शब्दों का मतलब ये सब एक ही है, तो इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स का क्या हो सकता है? एडमायरेबल हो, बहुत ज़्यादा प्यारा हो, लव्ड हो, प्रेम पूर्वक हो, या प्यारा हो, तो ये सब इसके एंटोनिम्स होंगे। लिखा हुआ है हु हैव सफर्ड अनस्पीकेबली एज अ रिजल्ट ऑफ एबोरेंट प्रैक्टिस ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पे बात करी जा रही है किस चीज़ की, कि जो भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है उसकी जो एबोरेंट प्रैक्टिस है, मतलब बहुत ज़्यादा विभत्स या घिनौनी प्रैक्टिस की जाती है, जाती थी, या फिर कई जगहों पे आज भी की जाती है इस तरीके से सोशल डिस्क्रिमिनेशन करके, ऊंच नीच करके, तो उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। नेक्स्ट हम वर्ड देखते हैं, लिखा हुआ है एक्यूजेशन। एक्यूजेशन का मतलब क्या होता है? आरोप या फिर दोष। ठीक है, जैसे आपको कोई एक्यूज़ करे, मतलब वो आपके ऊपर आरोप लगा रहा है, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन एक्यूज़ करने का मतलब आरोप लगाना। लिखा हुआ है अ चार्ज और क्लेम दैट समवन हैज़ डन समथिंग इल्लीगल और रॉन्ग। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये नहीं कि उसने ज़रूर ही किया हो, ये कोई कहे, साबित हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? कन्विक्शन हो जाएगा, उसका दोष सिद्धि हो जाएगी, अभी आप केवल आरोप लगा रहे हैं। सिनोनिम क्या हो सकते हैं? जैसे एलिगेशन लगाना, एट्रीब्यूशन करना, या फिर कंप्लेन करना। ठीक है, एंटोनिम मतलब अप्रूवल हो, या फिर कमेंडेशन हो, या फिर प्रेज हो। जैसे दोष लगाना, आरोप लगाना, वैसे कमेंडेशन, प्रेज करने का मतलब बहुत ज़्यादा गुणगान करना, या फिर बड़ाई करना। लिखा हुआ है व्हाइल नो वन कैन ऑब्जेक्ट टू प्रोसीजरल सेफगार्ड्स अगेंस्ट द फॉल्स एक्यूजेशन। तो फॉल्स एक्यूजेशन की बात करी जा रही है, मतलब जो झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं उसके बारे में बात करी जाए कि उससे कैसे बचा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम वर्ड देखते हैं, लिखा हुआ है क्या? लेक्यूना। लेक्यूने ये वर्ड है, इसको कई बार प्लूरल टर्म के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे यहाँ पर किया गया है, ए के बाद में ई आ जाता है, तो इसको लेक्यूने पढ़ा जाएगा। इसका मतलब होता है खामी या फिर अभाव, मतलब कोई गैप हो बीच में, तो उसको लेक्यून कहा जाएगा। ठीक है, लिखा हुआ है एन अनफिल्ड स्पेस और अ गैप, मतलब कोई अनफिल्ड स्पेस या गैप हो तो उसको लेक्यूने कहा जाएगा। सिनोनिम इसका हो सकता है जैसे कैविटी, हाइटस। हाइटस बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये भी इसी के लिए इस्तेमाल होता है, गैप के लिए, या फिर कोई ओपनिंग हो। ठीक है, एंटोनिम इसके हो सकते हैं जैसे कंप्लीटनेस, मतलब पूरी तरीके से भरा हो, फुलनेस, मतलब वहाँ पे कोई भी जगह खाली ना हो। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है द लेक्यूने इन द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 रिक्वायर्ड टू बी एड्रेस टू इम्प्रूव रोड सेफ्टी। मतलब बता रहे हैं जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है उसमें जो लेक्यूने है, मतलब जो गैप्स हैं रोड सेफ्टी को लेकर के, उनको एड्रेस करके उनको इम्प्रूव किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हम वर्ड देखते हैं, लिखा हुआ क्या? कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब तो आपको पता ही होगा, वैसे मतलब होता है समवर्ती या फिर संगामी, जो साथ साथ चले या फिर जो साथ साथ हो। ठीक है, सेम समय में हो, उसको कॉन्करेंट कहा जाएगा। लिखा हुआ एग्जिस्टिंग, हैपनिंग और डन एट अ सेम टाइम। सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं इसके? जैसे पैरेलल हो जाए, या फिर को एग्जिस्टिंग हो जाए, या फिर इनसिंक, मतलब एक साथ साथ हो। एंटोनिम्स के क्या हो सकते हैं? एसिंक्रोनस हो सकता है, या फिर नॉन कंटेम्प्रेरी हो सकता है इसका एंटोनिम। क्या कहाँ पे यूज हुआ था? लिखा हुआ था द इशू इज़ नॉट वन ऑफ द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस एज द सब्जेक्ट इज इन द
कंकरेंट लिस्ट। अब यहाँ पे जो कंकरेंट लिस्ट है उसका कुछ और ही अर्थ है। आपको पता होगा कि हमारे संविधान में तीन तरह की लिस्टें होती हैं, एक तो केंद्रीय सूची होती है, एक राज्य सूची होती है और एक समवर्ती सूची होती है। मतलब केंद्रीय सूची के अंदर जो भी विषय डाले जाते हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र का होता है। राज्य सूची के अंदर जो भी विषय होते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल राज्य का होता है। लेकिन एक सूची ऐसी होती है जिसको समवर्ती सूची या फिर कंकरेंट लिस्ट कहा जाता है। वो सूची में जो भी विषय होते हैं उस पर राज्य सरकारें भी कानून बना सकती हैं और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन अगर केंद्र सरकार ने कानून बना दिया है तो राज्य सरकार ने जो कानून बनाया है वो हट जाता है। खैर, ये तो जीके और जीएस की बात हो गई। यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट की जो बात करी जा रही है वही बताया जा रहा है कि ये जो सब्जेक्ट है ये कंकरेंट लिस्ट का है, मतलब इस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं। समवर्ती सूची का विषय ये है। नेक्स्ट बात करते हैं, लिखा हुआ है पैराडाइम। ध्यान दीजिएगा, इसको पैराडिज्म नहीं बल्कि पैराडाइम पढ़ा जाता है। एक नाउन है ये, जिसका मतलब होता है कोई मिसाल देना या फिर नमूना प्रस्तुत करना। लिखा हुआ है अ टिपिकल एग्जांपल और पैटर्न ऑफ समथिंग, अ पैटर्न और मॉडल। तो ये क्या होता है? पैराडाइम। सिनोनिम्स हो सकते हैं जैसे एग्जाम्पल या फिर मॉडल, या फिर यहाँ पे फिर से एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एग्जाम्पल एक बार ही आएगा। तो ये होता है इसके पैराडाइम के सिनोनिम्स हो सकते हैं, एंटोनिम ऐसा कुछ था नहीं। यूज़ कहाँ पे होता है? लिखा हुआ है सिंस ऑल दिस रिप्रेजेंट अ न्यू पैराडाइम दैट वुड शेक अप द सेक्टर, मतलब बता रहे हैं कि जो अभी चेंजेस वगैरह होंगे वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? न्यू पैराडाइम, एक नया मिसाल या फिर एक नया नमूना पेश करेगा जिससे जो कह सकते हैं जो सेक्टर्स हैं वो हिल से जाएंगे। ठीक है, इनके हिलने की संभावना, क्योंकि अगर आप कुछ नियम कानून में चेंज करते हैं, जैसे अभी हाल फिलहाल की एक न्यूज़ में आपको बताऊँ कि अब जो भी इंडिया में हेलमेट्स हैं वो केवल ISI मार्क्स वाले ही चलेंगे, वो चाहे ECE अप्रूव्ड हों चाहे DOT अप्रूव्ड हों, तो वो कोई कहीं से, चाहे वो स्नेल से अप्रूव्ड हो। आपको पता है कि हेलमेट सेफ्टी के लिए स्नेल एक बहुत ही जानी मानी संस्था है जो कि सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए जानी जाती है। तो कहीं से भी वो अप्रूव्ड हो, वो यहाँ अब इंडिया में नहीं बिकेंगे 2 महीने के बाद से, और आप पहने भी मिलेंगे तो भी आपके ऊपर फाइन हो सकता है। तो हेलमेट के लिए जैसे नया एक नियम लाए, जिनके पास ये सारे हेलमेट्स होंगे स्टॉक में, अब उनके पास 2 महीने का समय है बेचने के लिए। अब वो बेच दें, अगर नहीं बेच पाते हैं तो आप बेच भी नहीं सकते हैं, फिर उनको नष्ट ही करना पड़ेगा, क्योंकि फिर बेचते हुए पकड़े जाएंगे तो 2 साल की कैद भी हो सकती है। तो यही सब बातें हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, लिखा हुआ है इक्विटेबल। इक्विटेबल क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या होता है? सामिक। ठीक है, मतलब एकदम समान रूप से हो। लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग और वैलिड इन इक्विटी एज अ डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम लॉ, मतलब एग्जिस्ट करे और वैलिड हो इक्विटी, मतलब एकदम बराबर समरूपता में एकदम एग्जिस्ट करे, डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम लॉ, लेकिन कानून से थोड़ा सा अलग हो तो वो इक्विटेबल हो सकता है। लिखा हुआ सिनोनिम ऑनेस्ट हो या फिर इम्पार्शियल हो या फिर फेयर हो, मतलब उसमें ऐसे कोई बायसनेस ना हो। ठीक है, एकदम समान रूप से हो। एंटोनिम क्या हो? जैसे पार्शियल हो, अनकम्प्लीट हो या फिर अनफेयर हो, इसका एंटोनिम हो सकता है। लिखा हुआ है क्रिएटिंग एन इक्विटेबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर द ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ सर्विस इज क्रिटिकल, मतलब यहाँ पे क्या बात करी जा रही है, किसको क्रिएट करने की? इक्विटेबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की, मतलब एक बराबर समान रूप से कोई एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाए जिससे जो ऑर्डरली ग्रोथ हो, सर्विस हो, वो सारी चीज़ें ठीक ठाक हो सकें, उसके बारे में बात यहाँ पे करी जा रही है। तो इक्विटेबल है मतलब समान रूप से एकदम सामिक है, एग्जिस्ट कर रहा है सेम जैसे और रेगुलेटरी फॉर्म्स हैं उस तरीके से। नेक्स्ट हम बात करते हैं, लिखा हुआ यील्ड। यील्ड का मतलब होता है प्रतिफल, जो आपको वापस मिले उल्टा, तो वो क्या होगा? प्रतिफल, उसको यील्ड कहेंगे। लिखा हुआ है प्रोड्यूस और जनरेट एज अ रिजल्ट गेन और फाइनेंशियल रिटर्न, तो उसको यील्ड कहा जाता है। सिनोनिम इसके हो सकते हैं प्रोड्यूस करना, गिव करना, सप्लाई करना या फिर प्रोवाइड करना। यूज हुआ था सिस्टम्स आर यील्डिंग पुअर रिजल्ट्स इन द अब्सेंस ऑफ लास्ट मील कनेक्टिविटी सर्विसेज, मतलब बताएं जो सिस्टम्स हैं उनसे पुअर रिजल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे यील्डिंग पुअर रिजल्ट का मतलब कि जो सिस्टम्स हैं उनसे पुअर रिजल्ट मिल रहा है, मतलब जो रिजल्ट चाहिए वो ऐसा रिजल्ट नहीं बल्कि बहुत ही खराब रिजल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे यील्ड का मतलब क्या है? प्रतिफल से, रिजल्ट से है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या है नेफेरियस। नेफेरियस बहुत ही अच्छा शब्द है, ध्यान रखिएगा, है तो नेगेटिव शब्द। लिखा इसका मतलब होता है कुटिल या फिर अति दुष्ट। किसी के बारे में बात करिए बहुत ज़्यादा कुटिल हो, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं दिमागी तौर से दूसरे का बुरा चाहने वाला हो, तो उसके लिए नेफेरियस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब होगा टिपिकली ऑफ एन एक्शन और एक्टिविटी विकेड और क्रिमिनल, तो ये क्या होगा? नेफेरियस। ओके, सिनोनिम्स इसके क्या हो सकते हैं? विलेनियस या फिर विकेड। ओके, एंटोनिम हो सकते हैं वर्चुअस। वर्चुअस मतलब बहुत ज़्यादा गुणवान, गुणी। चेस्ट का मतलब एकदम पवित्र। ओके, यूज़ कहाँ पे हुआ था? इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ सॉरी एबडिकेशन एंड नेफेरियस कॉम्प्लिसिटी। ठीक है, कॉम्प्लिसिटी अपने आप में भी एक अच्छा शब्द है, इसको भी हम देखेंगे। नेफेरियस का मतलब
एकदम क्रिमिनल, मतलब ये जो अभी एक मुजफ्फरपुर वाले होम की घटना हुई थी उसके बारे में बात करी जा रही है। इस अब ये जो इंडियन एक्सप्रेस वाला है वहाँ के वर्ड आ रहे हैं, तो वही बताया जा रहा है कि एब्डिकेशन की घटना के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा नेफेरियस कॉम्प्लिसिटी है। ठीक है, तो कॉम्प्लिसिटी का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लिसिटी का मतलब होता है अपराध में भागीदार, मतलब जब कोई अपराध कर रहा हो उसमें साथ साथ आप भी हों। कोई कर रहा हो तो ठीक है, आप भी अपना हाथ उसमें बटा रहे हों तो उसको कॉम्प्लिसिट कहा जाएगा। तो एक तरीके से कह सकते हैं नेफेरियस कॉम्प्लिसिटी मतलब केवल एक लोग नहीं, इसमें बहुत सारे लोगों ने मिलकर के अपने हाथ साफ किए हैं, तो उस बारे में यहाँ पे बात हो रही है। लिखा हुआ इन्वॉल्वमेंट इन अ क्राइम और सम एक्टिविटी दैट इज रॉन्ग। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं कैनिवेंस या फिर कॉन्स्पिरेशी, और आपको यूज तो पता ही है, अभी हमने पढ़ा था वहीं पर नेफेरियस के बाद कॉम्प्लिसिटी। नेक्स्ट हम बात करें, लिखा हुआ है स्टिंट। स्टिंट का मतलब होता है कार्यकाल या फिर कह सकते हैं कार्य अवधि। ठीक है, लिखा हुआ है पर्संस फिक्स्ड और अलॉटेड पीरियड ऑफ वर्क, जैसे किसी को एक साल के लिए अपने काम करने के लिए बिठा दिया तो वो उसका स्टिंट हो गया। ठीक है, लिखा हुआ है स्पेल या फिर स्ट्रेच या फिर पीरियड। लिखा हुआ ड्यूरिंग हिज फर्स्ट स्टिंट एज चीफ मिनिस्टर, तो ये बात करी जा रही है किसी मुख्यमंत्री के बारे में कि उनका जो पहला कार्यकाल था उसके बारे में बात करी जा रही है। और आगे पूरा जो शब्द था मैंने नहीं लिया हुआ है, स्टिंट का मतलब समझिए कार्यकाल या फिर कार्य अवधि। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आखिरी शब्द है क्या है, अनप्रेसिडेंटेड। ये वाला शब्द आपको बहुत ज़्यादा बार सुनने को कहाँ पे मिलता है? ये आपको ज़्यादातर सुनने को मिलता है अगर आप एप्पल कंपनी का कोई भी प्रेजेंटेशन देखेंगे तो उसमें ये आपको शब्द बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है। इसका मतलब क्या होता है? बेमिसाल या फिर अद्वितीय, नेवर डन और नोन बिफोर। उनका यही मतलब होता है कि हमने जो किया इससे पहले किसी ने नहीं किया है। सिनोनिम्स के क्या हो सकते हैं? अनएग्जाम्पल्ड या फिर न्यू, यूनिक भी कह सकते हैं। एंटोनिम क्या हो सकते हैं? जैसे प्रेसिडेंटेड, जो पहले से चला रहा है, कस्टम्ड, जिसकी आदत हो लोगों को। ठीक है, ये यूज़ कहाँ पे हुआ था? लिखा हुआ बिटवीन 2005 एंड 10 ही हैड ऑफर्ड सोप्स टू हिज फीमेल इलेक्ट्रेट एंड अ टेस्ट ऑफ फ्रीडम। ही रिजर्व्ड एन अनप्रेसिडेंटेड 50% सीट्स इन पंचायत एंड लोकल बॉडी इलेक्शन फॉर देम। तो यहाँ पे अनप्रेसिडेंटेड 50% सीट्स का मतलब कि ऐसा कभी हुआ नहीं था कि इतनी ज़्यादा सीटें यहाँ पे मिली हों। ठीक है, तो ये अनप्रेसिडेंटेड था, अद्वितीय था, बेमिसाल था। ठीक है, तो ये वर्ड था, तो ये आखिरी वर्ड था जो मैं आपके लिए यहाँ पे लेकर के आया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ समझ में भी आया होगा और कोई दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ा होगा। एक से दो बार वीडियो आप देखेंगे तो आपको सारे के सारे शब्द याद भी हो जाएंगे, और अब अगर आप इन सारे जो एडिटोरियल्स हैं उनको पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी समझने में कि क्या बातें वहाँ पर बताई गई हैं। तो ये तो खैर 6 तारीख का था, काफ़ी पुराना था। अभी मैं आपको लाइन से सारे जो भी एडिटोरियल हैं 7, 8, 9, 10 सब आपको उपलब्ध करा दूंगा ऐसे ही एक एक करके, तो चिंता मत करिएगा, आप इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। फिर भी आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।